दरभंगा के संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार विनय कुमार ने परमंडलीय सभा कक्ष में परिवहन कार्यालय की समीक्षा बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्यालय में भाड़े पर रखे गए निजी वाहनों की जांच की जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। और उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में व्यावसायिक वाहन ही रखे जाएंगे भाड़े पर, साथ ही स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर यंत्र लगाना किया अनिवार्य। बीएड कॉलेज में मनमानी ढंग से लिए जा रहे फीस के खिलाफ किरण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पंडौल के छात्र मिले रजिस्ट्रार से। उन लोगों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन हम लोगों से पुराना फीस के बदले नया फीस के आधार पर पैसा की कर रहे हैं मांग। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय इकाई द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएमसीएच अधीक्षक आर प्रसाद, प्रभारी शंभू झा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल निशित राय, सीएम कॉलेज मैथिली विभागाध्यक्ष नारायण झा, इंजीनियर आर ई खान, नवल कुमार मिश्रा, गोपाल चौधरी, अजीत मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग ने इस वर्ष पूरे बिहार में IIRS आउटरीच डिस्टेंस लर्निंग की सुविधा शुरू करने का किया गौरव प्राप्त। मधुबनी जिला के जयनगर थाना प्रभारी सारंग ने छापेमारी कर 146 बोतल नेपाल निर्मित शराब किया बरामद। शराब तस्कर के घर से एक देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी किया गया है बरामद। छापेमारी करते देख तस्कर दीपक सिंह मौके से हुआ फरार। किशनगंज पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जिले के सभी वरीय पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर और SHO के साथ की विशेष बैठक। उन्होंने शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करने, साथ ही भू माफिया मावाली चोर गुंडों को जिले के अंदर लगाम लगाने और जरूरत पड़ने पर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का भी दिया आदेश। वहीं उन्होंने अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि किसी भी आम जनों को कोई परेशानी हो तो बेहिचक हमसे संपर्क करें। कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र के बहेरी गांव में पारिवारिक कलह में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या। मृतिका की पहचान निर्मला देवी और पति अशोक दुबे के रूप में हुई है। आरोपी को पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। रालोसपा प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को 90 लाख रुपए वापस करने को लेकर आज एक वकालतन नोटिस अधिवक्ता सुधीर ओझा ने भेजा, जिसमें कहा गया है अगर 15 दिनों के अंदर मेरे मुवक्किल को रुपया वापस नहीं किए तो आपके खिलाफ कोर्ट में किया जाएगा मुकदमा दायर। दरअसल मुजफ्फरपुर में रालोसपा के पूर्व महासचिव प्रदीप मिश्रा से 90 लाख रुपए लिए थे उपेंद्र कुशवाहा, जिसको लेकर लगातार वापस करने का आग्रह करता रहा प्रदीप मिश्रा, लेकिन 90 लाख रुपए वापस नहीं मिला जो उधार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा लिए थे। अब यह मामला तूल पकड़ता दिख रहा है।